चैप्टर नंबर 4 पार्टनरशिप का जो हम कर रहे थे उसमें ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है बच्चों, और अब जो हम करेंगे वो हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 में बैलेंस शीट। राइट, ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ जो बचा है बेटा वो बचा है आपका बैलेंस शीट का टॉपिक। अब बैलेंस शीट के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, जैसे बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो बच्चे बैलेंस शीट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो एक बार लिख लेते हैं। देखो बैलेंस शीट के अंदर बच्चे ये बैलेंस शीट हमने लिखी, ये रुपीस, सभी को पता है यहाँ पे असेट्स आती है, यहाँ पे बेटा लायबिलिटी आती है, सभी को पता है, ठीक है। अच्छा अगर असेट्स की बात करेंगे बच्चे तो असेट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो आपको देखने को मिलेगी आपकी नॉन करंट असेट, राइट, और एक आपको देखने को मिलेगी बेटा आपकी करंट असेट, क्लियर, ओके। इसमें से कुछ चीजें मैं थोड़ा अलग कर देता हूं, जैसे गुडविल, गुडविल की ट्रीटमेंट अलग है, आपको पता है अगर बैलेंस शीट में गुडविल गिवन होगी तो आप इसके साथ क्या करोगे बेटा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है, गुडविल के साथ आप ये काम करोगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ रिजर्व्स की, वो रिजर्व आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब कि लॉस हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है, राइट, इसका दूसरा नाम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो आप इसे। तो इस तरीके के जो रिजर्व्स होते हैं बेटा इसकी भी ट्रीटमेंट आप अलग तरीके से करते हो, मतलब ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देते हो, ठीक है। तो असेट्स की साइड को हमने इस तरह से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक। अगर हम बात करेंगे लायबिलिटी की तो बच्चे लायबिलिटी में आपको नॉन करंट लायबिलिटी देखने को मिलेगी, आपको करंट लायबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, और इसके अंदर आपको जो अलग से जो देखने को मिलेगा बेटा वो मिलेगा रिजर्व, रिजर्व की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है आप उसको देख लेना, उसके साथ इसके साथ भी एक अलग ही ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने किया सेम यहाँ पे भी एक अलग ट्रीटमेंट होती है इसकी, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब अगर हम बात करेंगे तो आपको कैपिटल का बैलेंस गिवन हो सकता है बेटा ए बी, और अगर तीन पार्टनर है तो तीनों पार्टनर का आपको बैलेंस गिवन होगा और यहाँ पर इसका भी आप टोटल कर दोगे। तो बेसिकली देखा जाए तो ये पहला पार्ट गुडविल का, दूसरा पार्ट और ये रिजर्व का है तीसरा पार्ट, तीन पार्ट में हमने बैलेंस शीट को डिवाइड किया है। अगर हम बात करेंगे लायबिलिटी साइड तो ये पहला पार्ट, रिजर्व का सेकंड पार्ट और कैपिटल का भी थर्ड पार्ट, तो तीन पार्ट यहाँ पे और तीन पार्ट यहाँ पे, टोटली बैलेंस शीट को हमें इस तरह से डिफाइन करना है, ठीक। अब बैलेंस शीट को लेकर आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चंस में जो बुक में जो दे रखे हैं उसमें क्या बोला गया है, आपको दो तरीके से इस चैप्टर के अंदर स्पेशली आपको बोला जाएगा, या तो आप बैलेंस शीट बनाओ पुरानी वैल्यूज के साथ, पुरानी वैल्यूज का मतलब कि असेट्स की जो अमाउंट पहले थी वही अमाउंट अभी भी होनी चाहिए, तो ऐसे में पूरी बैलेंस शीट एज इट इज बन जाएगी जो क्वेश्चन में गिवन थी, लेकिन इसके अंदर आपको कैपिटल का जो बैलेंस है वो जरूर चेंज करना पड़ेगा कि कैपिटल अकाउंट आपका बनेगा पार्टनर्स का, तो ये अमाउंट आपका चेंज होगा इसमें, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम रहेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि बैलेंस शीट आपको बनानी है नई वैल्यूज के साथ, मतलब असेट्स की भी नई वैल्यू बनेगी और लायबिलिटी की भी नई वैल्यू आएगी, तो बेटा इसका सिंपल सिंपल सा जो फंडा है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। तो अगर मैं बैलेंस शीट को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, पहले में कि न्यू अमाउंट के साथ बैलेंस शीट बनाओ, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो इसका इंपैक्ट बेटा पड़ेगा पहला पॉइंट कि जितने भी रिजर्व्स है बच्चे जो हमने पहले सीखे थे उसको आपको क्या करना होगा बेटा, बांटना होगा, क्या करना होगा बेटा, बांटना होगा। दूसरा पार्ट जो होगा बेटा इसका वो आपको करना होगा कि
कि आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। आपको क्या करना होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि न्यू अमाउंट के साथ बैलेंस शीट बनाओ, तो आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी होगी कि वो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, साथ में रिजर्व बनाने के लिए भी, रिजर्व बांटने के लिए भी बोल रहा है। और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है बेटा जब वो न्यू अमाउंट के साथ असेट्स और लायबिलिटी के न्यू अमाउंट के साथ बैलेंस शीट बनाने को मना करे। ठीक है बेटा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जो भी हमने ये दो पॉइंट यहां पे सीखे हैं वो इसका अपोजिट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मतलब ना तो रिजर्व बटेगा और ना ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अब रिजर्व अगर नहीं बनता, मतलब सॉरी नहीं बढ़ता, तो हम उसकी एक ट्रीटमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट पास करते हैं बेटा, वो मैंने आपको समझाई हुई है लास्ट वीडियो में, आप देख लेना रिजर्व की जो वीडियो है उसमें। और रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर नहीं बनाएंगे तो हम एक नेट इफेक्ट निकालते हैं, वो भी मैंने आपको सिखाया है लास्ट वीडियो में, वो भी आप देख सकते हो। तो ऑलरेडी वीडियो बहुत सारी बन चुकी है, आप वहां से जाके ये सारी चीजें सीख सकते हो। अब बैलेंस शीट के अंदर और कुछ है नहीं बेटा, जो भी बताना था वो मैंने यहां से आपको बता दिया। अब डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ जिसमें बैलेंस शीट बनी हुई होगी, वो आप उसमें देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या आइटम गिवन है। ध्यान रखना ये तीनों ही चीजों में बांटा हुआ है, ये आपको देखने को मिलेगा बेटा बैलेंस शीट के अंदर। गुडविल की बात करें, रिजर्व की बात करें, क्वेश्चन में चाहो तो हो सकता है और नहीं भी हो सकते। अगर ये नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो अगर नहीं होगा तो हम इसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, अगर होगा तो इसकी ट्रीटमेंट कर लेंगे। रिजर्व अगर गिवन होगा तो ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं गिवन होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में कि बैलेंस शीट किस तरह से गिवन होती है बेटा। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स बाई जेड हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। ठीक है, 2009 31 मार्च की बैलेंस शीट आपको गिवन है। यहां देखो गुडविल दे रखी है, क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांटोगे, लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट दे रखी है, स्टॉक दे रखा है, डाटा दे रखा है, आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दे रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल चीजें, कैश एट बैंक दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये एक रिजर्व का एक पार्ट होता है, इसको हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, ये लॉस होता है ध्यान रखना, तो ऐसे में ये क्रेडिट हो जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स जो भी है वो डेबिट हो जाएंगे। यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस दे रखा है तीन पार्टनर से, वर्क में कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, तो इसका कोई ना कोई एडजस्टमेंट गिवन होगी नीचे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको 10,000 रुपए दे रखा है और इन्वेस्टमेंट भी आपको गिवन है मार्केट वैल्यू के साथ, तो 1,00,000 में से 96,000, 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 96,000 की रहेगी, 4,000 रुपए का लॉस है। तो हम क्या करेंगे, 10,000 में से 4,000 तो इन्वेस्टमेंट के चले गए और बाकी जो अमाउंट है वो बच जाएगा, कैपिटल का अमाउंट आपको गिवन है। लेकिन ये करने से पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं, एडजस्टमेंट में क्या है, ऑन द अबव डेट द पार्टनर्स चेंज दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:2:1। ओके, तो पहले रेशियो बेटा था 2:3:1 और अब हो गया 3:2:1। द फॉलोइंग इश्यूज आर एग्रीड अपॉन, और इन सभी जो भी इश्यूज है उन सभी के ऊपर वो एग्री हुए हैं। तो इश्यू क्या है, सबसे पहले है गुडविल का इश्यू, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years कंप्लीटेड ईयर्स द प्रॉफिट वर। तो 3 साल का आपका प्रॉफिट गिवन है, तो आपको पता है कि किस तरह से हमें इसकी गुडविल निकालनी होती है, ये हमने पहले ही सीखा था वैल्यूएशन गुडविल के चैप्टर में। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है लैंड बिल्डिंग जो अंडर वैल्यूड हुई है 25,000 से, बाय का मतलब होता है 25,000 से अंडर वैल्यूड, मतलब कम दिखाई गई थी। स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड, और स्टॉक ज्यादा दिखाया गया था 8,000 रुपए से। ठीक, प्रोविजन की बात है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन द डेटर्स, और प्रोविजन भी हमें बताया गया है कि डेटर्स का 5% आपको निकालना है। आगे लिखा है क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन, देखो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम बता रखा है 18,000, आपने वर्कमैन बनाया कितना था 30,000 और 18,000 का क्लेम हो गया, तो बाकी जो 12,000 बचे वो आप बांट दोगे। ठीक है, तो इन सभी को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इस क्वेश्चन का, अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं बेटा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना बच्चे कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं बता रहा है कि बैलेंस शीट को आपको न्यू अमाउंट के साथ बनाना है या नहीं बनाना, तो बेटा ऐसे में हम ये मान के चलते हैं कि न्यू अमाउंट के साथ बनाना होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे बेटा वो देखो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट,
फिर बेटा बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमें पता है कि तीन पार्टनर्स की वो बात कर रहा है एक्स वाई जेड, तो तीन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे बेटा। लिखोगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, नाम था बेटा एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड पर्टिकुलर, ठीक है। इसके बाद बेटा जो बनेगा वो बनेगा बेटा आपकी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन डेट वट एवर। यहां बेटा आपकी असेट्स आती हैं, यहां पे रुपीस, और यहां पे बेटा आती है आपकी लाइबिलिटी। क्लियर पॉइंट? ओके ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें बनानी थी। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चन हमें सबसे पहले पॉइंट में, देखो पहले एडजस्टमेंट कर लो, बाद में बाकी सारी चीजें करते रहना, लेकिन एक चीज जो आपको सबसे पहले करनी है वो करनी है बेटा बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। जो कैपिटल का जो बैलेंस है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर बेटा बैलेंस आपको गिवन है, इसका है 1,00,000 रुपए, इसका है बेटा 2,00,000 रुपए, और इसका है बेटा 3,00,000 रुपए। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वैसे वैसे आप क्वेश्चन करते चले जाना, तो आपका आंसर आता चला जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट उन्होंने गुडविल का बोला हुआ है, तो एक काम करते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालेंगे और साथ में गुडविल भी निकालेंगे बेटा, ठीक है। तो वर्किंग नोट पे आ जाते हैं डायरेक्ट। तो बेटा वर्किंग नोट जब आप बनाओगे बच्चे, तो आप लिखोगे यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 और लिखोगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ध्यान रखना यहाँ जो गुडविल निकलेगी वो पूरी फर्म की निकलेगी, पूरे बिजनेस की निकलेगी। तो निकालने का जो तरीका है बेटा गुडविल का, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो बच्चे। तो यहाँ पे हमें कोई सुपर प्रॉफिट मेथड तो कुछ बताया नहीं, तो ऐसे में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड ही यूज करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे बच्चे, एक लाइन छोड़ देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चे, एवरेज प्रॉफिट निकलता है 3 साल का आपको प्रॉफिट गिवन है बच्चे, 3 सालों का प्रॉफिट करो, ऐड करो 45,000 प्लस 90,000 प्लस 1,35,000, ठीक है। तीनों को आपने प्लस किया, 3 से डिवाइड किया, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 90,000 रुपए, ठीक है। अब 90,000 को आप यहां लिखो बेटा और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा 2 साल थी, तो अमाउंट आ जाएगा आपका 1,80,000 रुपए। क्लियर है पॉइंट? ठीक। अब 1,80,000 क्या है बेटा, ये है बेटा हमारा फर्म की गुडविल। अब हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। अब इसके बाद बेटा जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे बच्चे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूला है आपका ओल्ड रेशियो माइनस में बेटा न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, फॉर्मूला आप लिख चुके हो। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ बेटा कि ओल्ड रेशियो क्या था एक्स वाई जेड का। आपने क्वेश्चन देखा होगा बच्चे, तो आपने अगर क्वेश्चन देखा है तो आपको पता होगा कि एक्स वाई जेड का जो ओल्ड रेशियो था, एक्स वाई जेड का जो ओल्ड रेशियो था बच्चे, वो था आपका 2:3:1। लेकिन अगर हम न्यू रेशियो की बात करें तो एक्स वाई जेड का न्यू रेशियो था बेटा आपका 3:1। तो ऐसे में आप अगर निकालना चाहो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो एक्स का कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो इसका क्या था बेटा, 2:6 माइनस 3:6, ठीक है। आप क्योंकि नीचे का अगर सेम होता है तो ऊपर आप माइनस कर सकते हो, और अमाउंट आ जाएगा माइनस का 1:6। तो अगर माइनस का आंसर आया तो इट मीन्स वो क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा वाई की, तो ओल्ड रेशियो था बेटा इसका 3:6, माइनस करेंगे बच्चे 2:6, तो आप कहोगे सर प्लस का आया, तो इसका मतलब वाई क्या कर रहा है बेटा, सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर हम बात करते हैं जेड का, तो बेटा जेड में क्या है, ओल्ड रेशियो क्या था इसका 1:6, माइनस में न्यू रेशियो में भी 1:6 ही है, तो 0। तो ध्यान रखना कि जो सैक्रिफाइस करता है उसको गुडविल मिलती है, और जो गेन करता है वो देता है।
तो ऐसे में जो जनरल एंट्री होगी वो हो जाएगी बेटा एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो गुडविल देगा, और वाई को मिलेगा तो वाई का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए एंट्री पास कर देता हूं मैं यहां पर। एक्स दे रहा है तो एक्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा मेरे बच्चे डेबिट, और वाई क्या हो जाएगा बच्चे, वाई हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट क्या आएगा बेटा, अमाउंट अगर आपको पता हो तो आपने जो अभी निकाला था गुडविल वो था बेटा 180,000 की। मैंने आपको कहा था कि जो भी शेयर आएगा उसका निकाल देना बेटा 1/6, तो 1/6 था, 1/6 मैंने निकाला बेटा। तो अगर आप इसका 1/6 करोगे तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 30,000 रुपये। कितना, 30,000 रुपये। तो पहला काम हमारा फिनिश हो गया 30,000 रुपये। और आप देख रहे हो 2y अकाउंट है और यहां पर क्या है, कुछ भी नहीं, तो इसको बाय मानते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में 2 कहां पे लिखा जाता है और बाय कहां पे लिखा जाता है आपको पता है। और ये ध्यान रखना, जहां पे 2y करके लिखोगे तो अमाउंट एक्स में आएगा और एक्स करके लिखोगे तो वाई में अमाउंट आएगा। ऐसा क्यों होता है बेटा वो हम क्लास में सीखेंगे, जब आप इंस्टीट्यूट में आना शुरू करोगे तो मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। और जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके अगर बताना चाहो तो बता सकते हो बाकी बच्चों को बेटा। तो बेटा पोस्टिंग करते हैं डायरेक्ट, और यहां लिखोगे आप बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये, वाई में लिखोगे लेकिन आप, तो आपने वाई में लिखा 30,000 रुपये। और अगर हम बात करेंगे इधर की तो बेटा इधर आप लिखोगे 2y कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा एक्स में जो कि होगा 30,000 रुपये। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। अब आगे जो हमें एडजस्टमेंट गिवन थी बेटा, वो एडजस्टमेंट गिवन थी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो वो हम सारी चीजें रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। तो अब हमारा इसका काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें बताया गया था, वो बताया गया था कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है बेटा वो आपकी अंडर वैल्यूड पाई गई थी 25,000 से बच्चे। अगर अंडर वैल्यूड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि गलती से कम दिखाया था, तो आप क्या करोगे बेटा ज्यादा दिखा दोगे, क्या करोगे ज्यादा दिखाओगे। तो प्रॉफिट है वो एक तरह का, तो आप यहां लिखोगे और यहां आप नाम लिखोगे बेटा लैंड एंड बिल्डिंग का, और वो अमाउंट हो जाएगा बेटा आपका 25,000 रुपये। अब इसका इंपैक्ट बेटा बैलेंस शीट में क्या जाएगा वो देखो जरा। तो बैलेंस शीट में जब बच्चे आप लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग, तो आप देखोगे कि क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन थी बेटा उसमें लैंड एंड बिल्डिंग थी 3,50,000 की। जब बैलेंस शीट में लिखोगे तो वो एक्स्ट्रा आ जाएगा 25,000 उसमें ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3,75,000 रुपये। ठीक है, तो 3,50,000 की पहले से थी लेकिन 25,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपने गलती से कम दिखाया हुआ था, तो अब हम उसको ठीक कर देंगे। आगे की बात करें तो हमें बताया गया था कि जो स्टॉक था बेटा वो ओवर वैल्यूड, गलती से ज्यादा दिखाया गया था बेटा, तो ऐसे में वो हमारा लॉस है। और आप यहाँ पे 2 करके लिखोगे स्टॉक, और स्टॉक बेटा 8,000 रुपये से आपने ज्यादा दिखाया था, तो 8,000 रुपये आप यहां लिखोगे। और इसका इम्पैक्ट जो बैलेंस शीट में जाएगा बेटा वो जाएगा कि आप स्टॉक को 8,000 से कम दिखा दोगे। तो स्टॉक अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में तो 80,000 रुपये का था, उसमें से बेटा आप माइनस करोगे 8,000, तो हो जाएगा बेटा वो 72,000 रुपये, 72,000 रुपीज। ठीक है, आगे बात करें तो लिखा है प्रोविजन जो है वो 5% डेटर्स का बनाना है। तो अगर बेटा प्रोविजन अगर आप चेक करो तो प्रोविजन डेटर्स के ऊपर, डेटर्स है 3,00,000 रुपये का, उसका अगर आप 5% निकालते हो बेटा तो कितना आ जाएगा बेटा 15,000 रुपये, कितना आ जाएगा 15,000 रुपये आ जाएगा। और आपने पहले से कितना बना रखा था 10,000 रुपये, तो इसका मतलब आपको 5,000 रुपये बेटा क्या करना होगा एक्स्ट्रा बनाना होगा, क्या करना होगा एक्स्ट्रा बनाना होगा, तो वो भी हमारा एक तरह का लॉस है बेटा। तो आप यहां पे लिखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और आपने जो बनाना है बेटा वो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा और बनाना है। तो ऐसे में बेटा इसका बैलेंस शीट में इम्पैक्ट क्या जाएगा कि जो डेटर्स आपके जो पहले से थे वो थे बेटा 3,00,000 रुपये की, लेकिन अब इसमें से माइनस होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 15,000 रुपये जो आपने नए बनाए हैं। ठीक है, तो जब आप 3,00,000 में से 15,000 रुपये माइनस करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 2,85,000 रुपये। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। ये करने के बाद बेटा लास्ट जो टॉपिक है बेटा वो है हमारे पास क्लेम का, जो लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 18,000 रुपये का है। तो सबसे पहला काम तो बेटा ये करो कि बैलेंस शीट में लिख दो,
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम करके 18,000 पे जो क्लेम किया गया है हमसे, पहले तो वो लिख दो। अब दूसरी बात क्या होगी कि आपने बनाया था 30,000 रुपए का, 18,000 रुपए तो क्लेम में चले गए, तो बाकी कितने बचे 12,000। 12,000 को क्या करोगे आप, बांटोगे पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो इसकी जनरल एंट्री में आपको करके दिखा देता हूं बेटा। पहले भी हम सीख चुके हैं वर्कमैन कंपनसेशन की ट्रीटमेंट कैसे कैसे करनी है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं बेटा कि किस हिसाब से इसको करना है। तो ऐसे में ये नंबर मैं आपको डाल देता हूं, तीसरा नंबर है वर्किंग नोट का। ये था हमारा बेटा, ये था हमारा दूसरा नंबर, वो गुडविल का पहला नंबर था, ये तीसरा नंबर है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बेटा आपका था 30,000 रुपए का, वो पूरा पूरा डेबिट हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो बेटा आपका 18,000 रुपए का है, वो यहां चला जाएगा। उसके बाद आप बांटोगे बाकी के जो 12,000 जो बचे हैं बेटा, वो बांटोगे आप ओल्ड पार्टनर्स में। तो लिखोगे एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना ओल्ड रेशियो में, लेकिन किसमें, ओल्ड रेशियो में बेटा। और किसको बांटोगे, 12,000 रुपए को बांटोगे। किसको बांटोगे, 12,000 रुपए को बांटोगे जो बच गया, जो बच गया, ठीक है। तो 12,000 बांटो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो आपको क्या गिवन था बेटा, ओल्ड रेशियो आपको गिवन था 2:3:1। क्या गिवन था बच्चे, 2:3:1। तो 2:3:1 में अगर आप 12,000 रुपए को बेटा बांटोगे तो आपके सामने जो अमाउंट आएगा बेटा, वो अमाउंट होगा 4,000, 6,000 और 2,000, ठीक है। ये आपका अमाउंट आ जाएगा और हम इसको जब पोस्ट करेंगे, तो इसको पोस्ट हम कर चुके हैं, इनको पोस्ट करना बाकी है। ध्यान रखना यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड लिखा जाए। तो बेटा कैपिटल अकाउंट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लिखोगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे बेटा 4,000, 6,000 और 2,000, क्लियर है। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम हो चुका है। अब दो ऐसे पॉइंट है जो हमें एडजस्टमेंट में नहीं बोले, लेकिन हमें फिर भी करने हैं। तो पहला पॉइंट है बेटा गुडविल का। तो गुडविल अगर बैलेंस शीट में गिवन है, तो उसके साथ हम क्या करने वाले हैं, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में हम उसको बांटेंगे। तो चलिए उसकी भी जनरेटी पास करके देख लेते हैं। ये वर्किंग नोट होगा बेटा हमारा चौथे नंबर का। तो जब भी आप गुडविल को बांटते हो जो पहले से बैलेंस शीट में है, और ऐसे में वो हमारे लिए एक तरह का लॉस हो जाएगा, तो एक्स वाई और जेड ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, डेबिट, क्या हो जाएंगे, डेबिट, डेबिट। ये ऐसे क्यों हुआ है वो हम बेटा क्लास में सीखेंगे। जब आप बेटा गुडविल क्या लिखोगे बेटा, गुडविल। और गुडविल का अमाउंट आपको गिवन था बैलेंस शीट में 12,000 रुपए, और ओल्ड रेशियो बांटेंगे जो कि था 2:3:1। और अगर आप इसको बांटते हो तो बेटा आ जाएगा आपका 4,000, अगेन 6,000 और 2,000। ऑलरेडी हमने ये अमाउंट बांटा हुई है 12,000 अभी यहाँ पे, तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे पोस्टिंग की, तो बेटा आप देखोगे तो ये सभी के सभी डेबिट है, तो इसका मतलब डेबिट में पोस्ट होगा बेटा कैपिटल अकाउंट के। तो बेटा पोस्ट करेंगे हम कैपिटल अकाउंट में इसके, और यहां लिखेंगे हम गुडविल। और आप सभी ने अभी अभी अमाउंट अभी देखे थे, तो 4,000 तो यहाँ आ गया, 6,000 रुपये आ गया बेटा यहाँ पर, और 2,000 आ गया बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो गुडविल का अमाउंट भी हमने ट्रांसफर कर दिया। अब लास्ट जो एडजस्टमेंट बची है बेटा, वो एडजस्टमेंट बची है आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, जो कि मार्केट वैल्यू, आप देखो बुक वैल्यू थी 1,00,000 रुपये, मार्केट वैल्यू 96। आप क्वेश्चन देख सकते हो एक बार दोबारा से, वहां पे आपको 1,00,000 रुपए की तो बुक वैल्यू थी, लेकिन मार्केट में 96,000 की रहेगी, 4,000 रुपए का लॉस। और रिजर्व की बात करें तो आपने 10,000 का रिजर्व बना रखा था। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी वो देखते हैं, और इसके इम्पैक्ट बैलेंस शीट में क्या आएगा वो भी देखेंगे बेटा। एक बात ध्यान रखना बेटा, जब आप पुरानी गुडविल को जो बैलेंस शीट में गिवन थी, अगर आप उसको बांट देते हो, तो उसके बाद नई बैलेंस शीट में वो गुडविल दोबारा अपीयर नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखना। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अब उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसकी जनरेटी क्या है बेटा वो देखो जरा। सबसे बेस्ट होता है नंबर डाल लेना वर्किंग नोट का। तो नंबर 5, तो आप IFR को तो करते हो बेटा डेबिट, ये हमने पहले भी सीखा हुआ है बेटा। IFR आपको जो गिवन था बच्चे वो था 10,000 रुपए का, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट था बेटा जो कम हुआ था वो था 4,000 रुपए का। तो बाकी के जो 6,000 रुपए है वो बटेंगे एक्स वाई और
जेड में कैपिटल अकाउंट लिखना फॉर्मेलिटी है, एक कैपिटल अकाउंट ये आपको समझ जाना चाहिए अपने आप ही कि ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो बेटा जो 6000 पे है वो किसमें बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो आपको था 2:3:1, तो अगर आप 6000 को 2:3:1 में अगर बांटोगे तो बेटा इसका अमाउंट आ जाएगा 2000, इसका अमाउंट आ जाएगा 3000 और इसका अमाउंट आ जाएगा आपका 1000, ठीक है। अब ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट की ट्रीटमेंट आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखानी होती, तो बैलेंस शीट में हम 96,000 ही दिखाओगे। अब ऐसे क्यों होता है, अगेन कहूंगा बेटा वीडियो में सारी बातें नहीं बता सकते, तो क्लास जब स्टार्ट होगी जब आप आओगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा, वो नहीं कर सकते हम वीडियो के अंदर कवर, उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनानी पड़ जाएगी। तो अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जब तक मेरे पास ज्यादा कमेंट नहीं आते तब तक वो वीडियो नहीं आ पाएगी। अगर आपको चाहिए कि ऐसा क्यों होता है तो मुझे बताना, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं बेटा इसकी ट्रीटमेंट। तो आप कैपिटल अकाउंट बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो इसको मतलब क्रेडिट साइड ही हम इसको शो करेंगे बच्चे। तो कैसे शो करेंगे वो देखो बच्चे, अगर आप देखोगे तो ये हमारे लिए बेनिफिट था जो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जो हमने बांटा। तो बेटा अमाउंट क्या क्या था, 2000 था, 3000 था और 1000 रुपए था, ठीक है, ये भी हमने डाल दिया। अगर आप देखोगे तो पूरी बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट में हमने सारे काम कर दिए, लेकिन एक काम अभी भी रह गया है, वो रह गया है बैलेंस शीट के असेट्स में, जो सबसे लास्ट में जो हमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस करके जो हमें रिजर्व दे रखा है उसका काम करना। तो वो हमारा एक तरह का लॉस होता है, और लॉस जब हम पार्टनर्स में बांटते हैं तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे इधर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसकी जनरल एंट्री मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किस तरह से इसकी जनरल एंट्री करनी है, और देन फिर यहाँ पे मैं आपको अमाउंट भी बताऊंगा कि किस तरह से। बेटा जगह कम है तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। अब क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका लॉस है और ऐसे में जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, तो आप लिखोगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, और ये लॉस एक्स वाई और जेड इन तीनों में बटेगा, कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट और डेबिट। अमाउंट है बेटा 12000 रुपए, और 12000 को हम ऑलरेडी बांट चुके हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, और उसका अमाउंट जो आता है वो आता है 4000 6000 और 2000 रुपए, ठीक है। तो ये अमाउंट आपका आता है इसमें। तो आप यहां देखो तो ये डेबिट हो रहे हैं, तो इट मीन्स ये डेबिट में ही शो होगा ये अमाउंट सस्पेंस के नाम से, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से, और अमाउंट होगा 4206। अब देखो इसकी पोस्टिंग, तो आपने देखा तो यहाँ पे 4000 6000 और 2000 का अमाउंट आप लिख दोगे। पूरी बैलेंस शीट खत्म हो चुकी है बेटा, आपकी लायबिलिटी में और कोई जनरल रिजर्व कोई कॉन्टिजेंट रिजर्व ऐसे कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, और पूरा क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। अब आगे इस क्वेश्चन को एंड कैसे करना है वो देखो। तो सबसे पहले जो एंड होगा बेटा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, तो आप इसका टोटल करो और बताओ कि भाई कौन सी साइड ज्यादा है। तो आप देखोगे ये वाली साइड ज्यादा है, तो आप लिखोगे 25000 रुपए यहाँ पर, और यही सेम अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे 25000 रुपए, ठीक है। मैं बादल बना देता हूँ, आपको नहीं बनाना। तो 8 और 5 बेटा कितने हो जाते हैं, आप कहोगे सर ये तो 13000 हो जाते हैं। तो अगर आप 13000 बेटा अगर माइनस करते हो 25000 में से, तो मेरे बच्चे अमाउंट क्या आएगा जल्दी जल्दी बताओ मुझे। तो बेटा आप कहोगे कि सर इसका अमाउंट जो आएगा वो आएगा हमारा 12000 रुपए, और 12000 हम अब तो पक चुके हैं बार बार लिखकर, तो बेटा लिखोगे यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल, ठीक है। 12000 को बांटोगे तो वही अमाउंट आएगा जो हम इतनी बार कर चुके हैं 4000 6000 2000, ठीक है। और ये अमाउंट आपका ट्रांसफर होकर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स, ध्यान रखना। और ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा इधर, क्रॉस ट्रांसफर होता है, अगर ये डेबिट में तो क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। लिखोगे बेटा यहाँ पे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, चाहो तो ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख सकते हो, और अमाउंट लिखोगे बेटा 4000 6000 और 2000, ठीक है। ये क्लोज करने के बाद फिर हम क्लोज करेंगे बेटा आपके पार्टनरशिप के कैपिटल अकाउंट को। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब हम क्लोज करेंगे बच्चे। क्लोज करने का एक तरीका है, मैं एक क्लोज करके दिखा देता हूँ, बाकी आप क्लोज कर लेना, ये मुझे आसान लग रहा है करना। 2 और 2 4 1 5, तो 3,05,000 का ये सब टोटल यहाँ पर है, और ये ही टोटल लिखोगे आप यहाँ पर 3,05,000, और यहाँ लिखोगे बेटा टू बैलेंस, बेटा यहाँ क्या लिखोगे बेटा टू बैलेंस सीडी। अब ये 4000 रुपए इसमें से माइनस कर देना, तो आप कहोगे कि सर अमाउंट आ गया 3,01,000 रुपए, ठीक है।
इसी तरीके बाकी सभी के साथ आप करोगे बेटा। जब आप सभी के साथ करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि सर इसका तो टोटल आया 2,45,000 रुपए, जो कि सेम एज इट इज अमाउंट आप लिखोगे यहाँ पर 2,45,000 रुपए, और 12,000 अगर आप उसमें से माइनस करोगे तो बेटा आपको अमाउंट देखने को मिलेगा 2,33,000 रुपए। कितना बेटा? 2,33,000 रुपए। और इसका टोटल किया तो बेटा इसका अमाउंट आपके सामने आएगा 1,10,000 रुपए, और ये सेम अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे 1,10,000 रुपए, और ये सभी आइटम इसमें से माइनस करोगे बच्चे तो आपका बैलेंस आएगा 72,000 रुपीज। क्या आएगा बेटा? 72,000 रुपीज आएगा। अब बच्चे इस अमाउंट को आपको कहाँ लिखना है बेटा? ये नई कैपिटल आई है और ये जाएगा बैलेंस शीट में। आप लिखोगे यहाँ पर, एक थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ, बाकी और कुछ बचा होगा तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। तो कितना कितना? एक्स वाई जेड, ठीक है ओके। तो एक्स का बेटा कितना था? 72,000 था। वाई का था बेटा 2,33,000, और जेड का था बेटा 3,01,000 रुपए, ठीक है। इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, और आप यहां पे लिख देना बेटा इसका टोटल जो भी आएगा, ठीक है इसका टोटल। और आप देखोगे इतना करने के बाद कि बैलेंस शीट में क्या क्या बचा हुआ है। अब बेटा आपका जो काम होगा उसके बाद सब सारी चीजें हो चुकी है, अब आप देखोगे बैलेंस शीट में क्या क्या बचा हुआ है। आप देखोगे बैलेंस शीट, अगर देखोगे तो गुडविल हो चुका है, लैंड बिल्डिंग हो चुका है, इन्वेस्टमेंट लिखना बाकी था, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे बेटा हम। तो इन्वेस्टमेंट बेटा 96 की हो गई थी, तो इन्वेस्टमेंट हम 96 की ही लिखेंगे, बाद में समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा था बेटा? डेटर्स हो चुका है, कैश एट बैंक, बेटा कैश एट बैंक बचा हुआ, कैश एट बैंक भी लिखोगे आप यहाँ पे, कैश एट बैंक मतलब सारी एडजस्टमेंट होने के बाद जो असेट बच जाती है वो असेट आप यहाँ पे लिखोगे। तो कैश एट बैंक था बेटा 2,96,000, 2,96,000 रुपीज। अगर आप बात करते हो बेटा कैटर्स यहाँ पे लाइब्रेटी में, तो सिर्फ उसे आपको जो देखने को मिलेगा बेटा वो मिलेगा कैटर्स को, और यहाँ पे आप बेटा अमाउंट लिख दोगे कैटर्स का, जो अमाउंट आपको बैलेंस शीट में गिवन था वही अमाउंट यहाँ लिखोगे, 5,00,000 का अमाउंट था तो यहाँ लिख दोगे, और एंड में जब इसका टोटल करोगे बेटा तो दोनों ही साइड इसकी इक्वल आने वाली है। मैं आंसर देख के लिख देता हूँ अमाउंट क्या होगा। तो इसका अमाउंट होगा बेटा 11,24,000 रुपए, 11,24,000 रुपए, ठीक है। तो ये आपका फुल लेंथ क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया विद वर्किंग नोट बेटा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, बाकी अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन आपको दे दूंगा जो आपको करने हैं। अब इसके अंदर बेटा जो आपके एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि हमें नहीं करना, क्योंकि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगा एडमिशन में, रिटायरमेंट में, तो हम ये टॉपिक वहां पे कवर करेंगे, यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन था बेटा आपका। अब बात आती है कि इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप के आ सकते हैं। तो बेटा जो इसमें जो क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं बेटा, वो आ सकता है एक जो बेटा क्वेश्चन इसका आ सकता है वो एक तो आ सकता है आपका रिजर्व्स को लेकर, रिजर्व को लेकर जिसमें वो बोलेगा एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, या फिर वो आएगा रिवेल्यूएशन अकाउंट को लेकर। इसमें भी आपको नेट इफेक्ट दिखाना होगा और कुछ नहीं है, इसमें आपको नेट इफेक्ट दिखाने के लिए आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। या तो रिजर्व को लेकर आएगा, या तो आपको रिवेल्यूएशन अकाउंट को लेकर आएगा, या तो बेटा आपका आएगा फुल लेंथ क्वेश्चन, या तो आपका फुल लेंथ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इसमें, ठीक है। और अगर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात है तो हाँ बिल्कुल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी इसमें इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेगा, जिसके अंदर आपको दो चीजें गिवन होगी, एक तो आपको ओल्ड जो बैलेंस शीट है, पुरानी बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में होती है उसमें भी आपको गुडविल पहले से ही गिवन होगी, और एक आपको न्यू गुडविल निकालनी पड़ेगी, ये आपको दे रखी होगी, ठीक है। तो इसको तो ओल्ड रेशियो में बांटोगे, ओल्ड पार्टनर्स में, और इसको आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटोगे, तो या तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कुछ टाइप है जिसके क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, ये या तो ये, तो चार टाइप के आपको क्वेश्चन है। हाँ जेलेंटी आ सकती है, वही सी बात, अगर ये करोगे तो आपको जेलेंटी पास करनी होगी, अगर फुल लेंथ क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है, ठीक। और अभी जो नए पैटर्न जो ऐड हो रहे हैं बेटा, वो कहीं ना कहीं ऐड हो रहे हैं बेटा आपके फिल इन द ब्लैंक्स को लेकर, तो वो भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी बेटा, मैं आपको सभी टॉपिक आपको कराऊंगा हर एक चैप्टर से रिलेटेड, और मेरा टारगेट है आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलवाना। इवन जो टारगेट है वो तो है 95+ का, कि आप सभी बच्चों के नंबर बहुत अच्छे हैं, 95+ मार्क्स आए हैं। उसके लिए बेटा आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, सब्सक्राइब करो चैनल को,
जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ज्यादा बेटा हमें मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस को बनाने के लिए। और साथ में बेटा वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक कर दिया करो, कोई सजेशन है अगर देना है तो वो दे सकते हो बेटा कमेंट करके। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी भी लगे तो बेटा कमेंट करके एक बार बता दिया करो कि सर अच्छी है वीडियो या कोई कमी है तो वो बता देना, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है बेटा, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया। लेकिन हाँ, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ जो आपको क्वेश्चन घर पे करने हैं। तो बेटा वो क्वेश्चन है हमारे पास, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बेटा रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस के, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन बेटा कर सकते हो अपने घर पे। ठीक है, आंसर भी आपको गिवन है, नहीं होते तो एक बार मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा कि सोल्यूशन आपको दे सकूं। ठीक है, और आगे बेटा क्वेश्चन देखिए, तो बेटा ये वाला आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एक रिवोल्यूशन अकाउंट का, बेटा नेट इफेक्ट इसमें दिखाना होगा जहां तक है। और ये है बेटा आपका फुल लेंथ क्वेश्चन, यहाँ पे ये बेटा आपके फुल लेंथ क्वेश्चन है ये वाले बेटा देखो। ठीक है, ये फुल लेंथ क्वेश्चन है बच्चे आपके, और यहाँ पे भी देख लो बेटा क्वेश्चन अगर करने हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने है बेटा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बेटा कर सकते हो। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही है, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।